ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में आपका जावा के बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक में कवर करने वाले हैं कोर जावा प्लस एडवांस जावा। क्लियर? तो हमने कोर जावा के आपके टॉपिक्स सारे क्लियर कर लिए थे, है ना। पीछे के जो हमने आगे पढ़े थे, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, उसके बाद हमने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे हैं, फिर इसके बाद जावा के फीचर्स देखे हैं ना। क्लियर? फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सीधा कहाँ से, डायरेक्ट आपके डेटा टाइप से। तो डेटा टाइप टू टाइप के, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं इसका एग्जांपल, फिर उसके बाद स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड कैसे क्रिएट करते हैं ये, फिर इसको कॉल कैसे करते हैं। स्टैटिक मेथड को क्लास के थ्रू से कॉल किए थे, नॉन स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट बना के कॉल किए थे। तो स्टैटिक मेथड को आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, है ना। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल रहा। फिर उसके बाद आज हम लोग उस कंसेप्ट का क्लास और ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ इनकैप्सुलेशन, है ना। मैं लाइन वाइज चलते रहता हूँ, है ना, कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, एक एक टॉपिक सारे आपके क्लियर हो जाए। क्लियर? तो आज का टॉपिक है हमारा इनकैप्सुलेशन, है ना। तो इनकैप्सुलेशन की क्या होती है डिफिनेशन? इनकैप्सुलेशन होती है कि बाइंडिंग अ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन टू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। जैसे डेटा मेंबर हो गए, मेंबर फंक्शन हो गए, उनको एक सिंगल यूनिट में बाइंड करना क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन कहलाती है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग जिस टाइम पे क्लास क्रिएट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इनकैप्सुलेशन का यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे भी हम लोग क्लास और आपके मेथड बनाते हैं और एक सिंगल बॉडी के अंदर उसको रखते हैं। क्लियर? तो कैप्सुलेशन, जैसे एग्जाम्पल देखते ही हो गए कि कैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल, उसके अंदर जो भी मेडिसिन होते हैं उसके अंदर होते हैं कैप्सूल के अंदर, उसी के अंदर जो डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है, तो उसी को बाइंड करना क्या कहलाती है, इनकैप्सुलेशन कहलाती है। यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर वी कैन सिक्योर आवर प्रोग्राम्स, है ना। जैसे एक्सेस मॉडिफायर आपके कौन से हो जाएंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। क्लियर? तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को सिक्योर करते हैं। क्लियर? इतना ही इनकैप्सुलेशन में देखो, इनकैप्सुलेशन इज जावा इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो आप ऐसे डेफिनेशन मतलब समझ लो कि जो डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में बाइंड करना क्या कहलाता है, इनकैप्सुलेशन कहलाता है ना। यहाँ पे बाय प्रोवाइडिंग ओनली एन सेटर एंड गेटर मेथड यू कैन अचीव इनकैप्सुलेशन, है ना। तो इसको हम अचीव करके देखेंगे, है ना, कोडिंग करेंगे तो सारे सब चीज समझ में आ जाएंगे। क्लियर? डिफिनेशन क्लियर हुआ आप लोग को, इनकैप्सुलेशन क्या होती है पहले, है ना। देखो तो क्योंकि जब आप हाँ इंटरव्यूअर के सामने या कभी भी आपको समझना है तो इनकैप्सुलेशन क्या होती है ना, तो इनकैप्सुलेशन वहाँ पे आपको माइंड में आ जाना चाहिए कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल के अंदर कुछ ना कुछ मेडिसिन होती है। तो आपको अपने लैंग्वेज में कैसे बोलना है, बाइंडिंग अ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन टू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। क्लियर? ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। मैं नेटविंस पे आता हूँ, यहाँ से इसको मैं कट करता हूँ, फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ, अदर्स पे, और यहाँ पे जावा फाइल। क्लियर? और यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, फाइल का नाम दे देता हूँ INCP। क्लियर? उसको मैं फिनिश करता हूँ, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट डिलीट, यहाँ पे राइट कोड, तो SUT टाइप प्रेस करूंगा और हमारे क्या हो जाएगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टाइप हो जाएगी। छोटा तो नहीं दिख रहा है ना आपका कोड, ए वाला, इसकी फॉन्ट साइज। हेलो, छोटा दिख रहा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट इसका टास्क, टूल्स ऑप्शन, फॉन्ट साइज, एडिटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो अब देखो शॉर्टकट इसका क्या है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। फिर अब टाइप करना SOUT, टैब प्रेस करना, और क्या करना, टैब, तो क्या चाहिए, ऑटोमेटिक आपकी ये प्रिंट हो जाएगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। पहले हम लोग आइडियली यूज नहीं करते थे इसको, जैसे हमें क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी, है ना। जब भी हम लोग काम करते हैं तो आइडियली के थ्रू ही करते हैं। क्लियर, समझे?
तो इसलिए हमारी क्या होती है, डेवलपमेंट फास्ट होती जाती है। अगर आप जैसे कि पहले भी नोटपैड थी, पहले क्या थी आपका विजुअल स्टूडियो कोड नहीं थी, फिर उसका जो एचटीएमएल के आप लोग कोडिंग करते हो, तो पहले वर्डपैड नोटपैड में करते हो, तो उसमें एक एक चीज़ टाइप करने में कितना जाती है टाइम। बट उससे क्या होती है कि एक चीज़ हमको हर एक चीज़ें याद हो जाती है ना। अब समझ लो कि आपको कुछ चीज़ें याद हो गई है ना, तो उसके बाद आपको स्विच करिस पे कर जाना चाहिए आईडीएल पे, क्योंकि हमें फास्ट वर्किंग करनी है। ऐसा नहीं कि हमें सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ है ना, टाइम कम है, सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ है ना। तो इसकी वजह से आपको जितना फास्ट हो सके तो हमें उतना फास्ट सीखना चाहिए। फिर राइट क्लिक और यहाँ से रन, तो क्या होगी हमारी आउटपुट आ गई, क्लियर। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ और हमारा टॉपिक है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, क्लास क्रिएट किया है INCP है ना इनकैप्सुलेशन के लिए। अब मैं यहाँ से वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, क्या प्राइवेट, PRIVATE प्राइवेट, और यहाँ पर डालता हूँ इंट ये इक्वल टू इंट है। चलो यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, यहाँ पे इसको कॉल करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल एक्स। हमने क्या किया यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया प्राइवेट इंट ए, क्लियर। एक और मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ PRIVATE प्राइवेट और इंट बी, क्लियर, सेमीकोलन, ठीक है। हमने क्या किया क्लास के अंदर प्राइवेट दो वेरिएबल क्रिएट किया है ना। तो इनकैप्सुलेशन का डिफिनेशन होती है बाइंडिंग अ डेटा मेंबर, देखो ये क्या हो गया डेटा मेंबर हो गया, एंड मेंबर फंक्शन जो अभी हम लोग बनाएंगे अभी, क्लियर। तो मैं मेंबर फंक्शन बनाता हूँ, तो वॉइड, और क्या बनाऊंगा यहाँ पे सेट बना देता हूँ, सेट, ये सेट नाम के हमने क्या बना दिया मेथड बना दिया, क्या सेट ए, क्लियर। अब यहाँ पे सेट कर देता हूँ ए इक्वल टू 100 कर देता हूँ, सेमी कॉलन, क्लियर। एक और मैं क्या करता हूँ मेथड बनाता हूँ सेट आपको वॉइड, जिसमें वैल्यू क्या करेगी सेट बी करेगी, सेट बी सेमी कॉलन, यहाँ पे सेमी कॉलन ब्रैकेट और इसकी बॉडी। हम यहाँ पे इसकी सेमी कॉलन नहीं देते हैं ना, यहाँ पे जब हम मेथड को कॉल करते हैं तब हम वहाँ पे सेमी कॉलन देते हैं, जब हम फंक्शन बनाते हैं मेथड बनाते हैं वहाँ पे सेमी कॉलन नहीं देते हैं, क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे बी इक्वल टू 200, ठीक है, इतना समझ भाई। हमने क्या किया कि आपका डेटा मेंबर क्रिएट किया और यहाँ पे मेंबर फंक्शन क्रिएट किया है ना, दोनों क्या करेगी आपका डेटा सेट होगी, दूसरी से क्या होगी मेथड से हमारी इस में वैल्यू क्या होगी असाइन हो जाएगी है ना, ठीक है। हाँ बोलिए, हेलो, ठीक है, क्लियर। हमने क्या किया प्राइवेट इंट ए प्राइवेट इंट बी और सेट मेथड बनाई, और सेट बी दोनों क्या कर देगा वैल्यू को असाइन कर देगा, क्लियर। अब मैं यूज करता हूँ यहाँ पे इंट गेट गेट ए अब यहां से रिटर्न करूंगा RETURN रिटर्न ए सेमी कॉलन, चीज और आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी बता रहा हूँ अभी आके है ना। फिर एक और यहाँ पे एक चीज करता हूँ, यहाँ पे इंट ए है, क्या है यहाँ पे इंट ए है ना। अब देखना यहाँ पे मैं void यूज क्यों नहीं कर रहा हूँ, void तो क्या आगे इरर आ गई, यहाँ पे इरर कर्सर ले जाता हूँ, क्या है अननेसेसरी रिटर्न स्टेटमेंट, क्लियर। तो जब हम लोग कुछ भी वैल्यू रिटर्न कराते हैं तब तो हमें वहां पे क्या करनी पड़ती है, वहां पे वैल्यू देना पड़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वॉइड मतलब यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हो रही है, क्लियर। और जो हमने यहाँ पे मेथड बनाई वॉइड सेट, तो यहाँ पे अगर रिटर्न करते तो हमें क्या करनी पड़ती है, अगर इंटीजर है तो इंट, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप की हमें रिटर्न टाइप सेट करनी पड़ती है। जैसे आप लोग C++ में प्रोग्राम बनाया हो गया है ना, तो आप क्या यूज करते हो वॉइड मेन है ना, चाहे कोई मेथड बनाते हो वॉइड इंट इंटीजर, जो मतलब जिस टाइप का रिटर्न टाइप होती है हम वहां पे ये पास करते हैं, क्लियर। मैं यहाँ पर हटाऊंगा और लिखूंगा इंट, क्लियर, हमारी एरर चली गई। फिर क्या करूंगा यहाँ पे, अब क्या करूंगा यहाँ पे आपका इंट और गेट बी कर देता हूँ, क्लियर। हमने कितने मेथड बना लिए, चार मेथड, सेट ए सेट बी और गेट ए गेट बी, जिसमें सेट ए के थ्रू वैल्यू सेट होगी और गेट बी के थ्रू वैल्यू क्या, गेट ए के थ्रू क्या होगी वैल्यू को गेट करेंगे।
गेट ए के थ्रू क्या करेंगे, वैल्यू गेट करेंगे, गेट बी के थ्रू जो बी की वैल्यू हमने सेट की है उसको गेट करेंगे। अब यहाँ पे करता हूँ रिटर्न, आर ई टी यू आर एन रिटर्न, और यहाँ पे बी सेमी कॉलन, एरर चली गई। ठीक है, क्लियर इतना? देखो एक चीज याद रखना, जब भी हम वैल्यू को रिटर्न कराते हैं तो हमें वहां पे ध्यान देना होता है कि हम लोग क्या रिटर्न करवा रहे हैं ना। यहाँ पे कुछ भी रिटर्न हो रही है नहीं, जब हमें रिटर्न करानी होती है इंटीजर टाइप की तो हम इंटीजर स्ट्रिंग लेते हैं, तो स्ट्रिंग टाइप की हमें वैल्यू को क्या करनी पड़ती है, रिटर्न करानी पड़ती है। यहाँ पे डेटा टाइप डालनी पड़ती है, वॉइड मतलब कुछ भी नहीं हम रिटर्न करा रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखूंगा वॉइड मतलब वी ओ आई डी। अब देखो यहाँ पे कर्सर ले जाऊंगा, अननेसेसरी रिटर्न स्टेटमेंट है ना। यहाँ पे जैसे मैं कमेंट करता हूँ, देखो अभी क्या हो गई, हमने कुछ रिटर्न नहीं कराई है, जैसे मैं रिटर्न कराऊंगा तो क्या गई, एरर आ गई, क्लियर। तो हमें जब रिटर्न रिटर्न करानी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप डालते हैं, क्लियर। ठीक है, अब देखो क्या करूंगा, अब मेथड ए को कॉल करूंगा और मेथड बी को। तो हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिया है, समझाया है कि हम जब स्टैटिक मेथड बनाते हैं तो उसको क्लास के थ्रू कॉल कर लेंगे, और जब नॉन स्टैटिक मेथड बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। तो आपकी मेथड बताओ कैसी है ये, हेलो, नॉन स्टैटिक मेथड। तो मुझे अब क्या बनानी पड़ेगी, इसकी क्लास बनानी पड़ेगी, क्लियर, डिलीट। और मैं यहां से क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूँ। तो क्लास क्या है आपका, आई एन सी पी ई एन सी पी NCP, और मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट नाम कुछ भी दे देता हूँ, वो भी दे देता हूँ यहाँ पे, वो भी इक्वल टू, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड और क्लास और ब्रैकेट सेमीकोलन। इसके थ्रू जितनी भी प्रॉपर्टी थी INCP क्लास में वो सारी किस में आ गई, OBJ में आ गई। अब मैं क्या करूँगा, एक एक मेथड को कॉल कर लूंगा। देखो तो OB OB डॉट, और किसको कॉल करूँ, सेट ए को। तो सेट ए में वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। राइट क्लिक रन, राइट क्लिक और रन, तो हमारी प्रोग्राम क्या हो गई, रन हो गई। आउटपुट क्यों नहीं आई बताओ आप लोग, क्योंकि हमने इसको रिटर्न कुछ कराया ही नहीं है। देखो अब यहां से रिटर्न कराता हूं, इस ओ यू टी टाइप प्रेस किया तो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मैं इसके अंदर लिखता हूं आपका रिटर्न, कंट्रोल जेड, और यहां पर डालता हूं किस वाले मेथड को कॉल कर लो, गेट ए को। तो हमारी मेथड ए रन हुई तो इसमें क्या होगी, वैल्यू ए में कितना होगी, 100। हमने क्या किया था, प्राइवेट असाइन किया था, प्राइवेट हमने क्या किया, मेथड ए में मेथड ए को रन करके क्या कर लिया, वैल्यू को सेट कर लिया, तो ए में क्या हो गई आपकी 100 यहाँ पे। अब इसमें को क्या करूंगा, मेथड गेट ए को रन करूंगा, कॉल करूंगा, क्या करूंगा मेथड ए को, तो रिटर्न क्या मिलेगी मुझे, ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो मैं मेथड को कैसे रन करूं, तो ओ बी डॉट यहाँ पे गेट ए सेव और रन, राइट क्लिक और यहां से, तो वैल्यू हमें क्या मिल गई, 100 दिख रही है आप लोग को। देखो यहां पे वैल्यू क्या गई, 100, क्लियर। तो इनकैप्सुलेशन क्या होती है, बाइंडिंग अ डेटा मेंबर, अब डेटा मेंबर हो गए एंड मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ये काम तो हम क्लास में भी करते हैं, बट इनकैप्सुलेशन क्या एक्स्ट्रा करते हैं कि जो हमारे डेटा मेंबर है तो एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, सिक्योर बनाते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड है ना। बाय डिफॉल्ट क्या होती है आपकी, जो भी हमारी वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, कहीं से भी उसके एक्सेस कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको प्राइवेट कर लिया, क्लियर, इतना समझ में आई। अब देखो इसको एक और मेथड है, यहाँ से इसको कमेंट करता हूँ। देखो एक चीज और यहाँ पे आप लोग सीखना, एक क्या करता हूँ मैं, एक वेरिएबल बनाता हूँ है ना, आपको पता है कि यहाँ पे क्या रिटर्न होने वाला है, इंटीजर टाइप का रिटर्न होने वाला है, क्लियर। वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप है, आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हाँ रिटर्न क्या है, इंटीजर टाइप का है। अगर नहीं भी करोगे तो आपका इक्लिप्स है जो कि आपका क्या बोलते हैं, आइडियली आपका एडवांस है, वो आपको बता देगा कि आप लोग क्या रिटर्न, आपको मतलब क्या रिटर्न कर रहे हो, इंटीजर कर रहे हो या आप स्ट्रिंग कर रहे हो, क्लियर। तो आपको बता देगा कि आप इस टाइप की वैल्यू में कैच करो, तो हम जिस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करते हैं उसी टाइप की वैल्यू में हम कैच करनी पड़ती है, क्लियर। तो यहाँ पे एक वेरिएबल देता हूँ इंट, यहाँ पे डाल देता हूँ आर ई टी, कैपिटल आर ई टी, ये जो रिटर्न करेगी है ना। मेथड को कॉल करता हूँ ओ बी डॉट गेट ए को,
सेमी कॉलन। अब देखो यहाँ से मेथड कॉल होती है, तो एक चीज आप लोग ध्यान देना, जहां से मेथड कॉल होती है ना वैल्यू वहीं पे रिटर्न होती है। देखो मेथड हमने कहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी कहाँ पे आएगी, इसी लाइन पे आएगी, लाइन नंबर 21 से मैं कॉल कर रहा हूँ, तो 21 पे ही रिटर्न आएगी वैल्यू। क्लियर? तो मुझे इसी लाइन पे क्या करनी पड़ेगी, कैच करनी पड़ेगी। क्लियर? अब देखो यहाँ से क्या कर लेता हूँ, जो वैल्यू रिटर्न आई है मैंने किसमें कॉपी कर लिया है, RET में। क्लियर? अब मैं RET को प्रिंट कर लेता हूँ, RSOUT, और टैब प्रेस किया और यहाँ पर डाल देता हूँ रिटर्न वैल्यू, RETURN वैल्यू इज, कंकिनेट कर लेता हूँ यहाँ से। तो कंकिनेट के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस, और यहाँ पे क्या यूज करूँ, RET, सेव और राइट क्लिक। देखो रिटर्न वैल्यू इज 100। क्लियर? अब ये चीजें कब काम में आती है हमारी, जब आप लोग प्रोग्राम बनाओगे तो एक फाइल के थ्रू जब दूसरे फाइल में आपको डेटा को पास करनी होगी। जैसे क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप लोग लॉगिन पेज बना रहे हो, क्या बना रहे हो, लॉगिन पेज। तो अपने यहाँ पे क्या बनाया, मेथड बनाया लॉगिन नाम का। तो जैसे ही कोई पर्सन लॉगिन होता है तो उसका डेटा क्या कर दे, रिटर्न होके दूसरे पेज पे चला जाए और वहां पे क्या हो जाएगा, उसकी आईडी और आपका जो नेम है उसको पास कर दे। तो रियल एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर? तो छोटे छोटे टास्क है ना, जैसे इंटरव्यू आप दोगे वहां पे, तो मतलब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, तो आपका डिफिनेशन बताना, फिर वहां पे बताना कि सर क्या मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, फिर उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर देना, है ना। जैसे यहाँ पे मेथड बता देना, सेट के थ्रू वैल्यू सेट करते हैं, ये आपको इतना भी टाइप करना पड़ रहा है ना, इसके मेथड्स होते हैं वो, अब सीधा क्लिक, सिंगल क्लिक पे आप लोग को इंसर्ट, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट, यहाँ पे नहीं आ रही है, उसमें आ जाती है, क्या बोलते हैं आपका, इक्लिप्स को आईडीएली है वहां पे, जैसे यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे नेविगेट है वहां पे, उस पर क्लिक करोगे तो सेटर गेटर मेथड सब आ जाती है ना। इसके भी आपके शॉर्टकट होते हैं, अल्ट कंट्रोल इंसर्ट, यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। अल्ट इंसर्ट, ठीक, रुक जाओ मैं बता रहा हूँ इसका, है ना, निकाल के कि क्या होती है इसकी शॉर्टकट, है ना, सेटर और गेटर मेथड बनाने के लिए, है ना। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, हेलो, इनकैप्सुलेशन में बताओ आप लोग, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक एक लाइन की कोडिंग। ठीक है, तो जो लोग लेट चाहे फिर से उनको आप एक बार और एक्सप्लेन कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि देखो एक चीज आप लोग याद आ जाएगी ना, एक मतलब माइंड में सेट हो जाएगी इनकैप्सुलेशन क्या होती है ना, विथ एग्जाम्पल जो आप डिफिनेशन सुनते हो इनकैप्सुलेशन की, उसके अकॉर्डिंग इनकैप्सुलेशन इज अ, इनकैप्सुलेशन, इन इनकैप्सुलेशन वी बाइंडिंग अ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इन टू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर वी मेक अ सिक्योर प्रोग्राम, है ना। तो देखो यहाँ पे आपके डेटा मेंबर हो गए, कौन से हो गए, इंट ए डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन, सेट ए आपके है फंक्शन हो गए, और आपके प्राइवेट क्या हो गए, आपके एक्सेस मॉडिफायर हो गए, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो कि अपने प्रोग्राम को सिक्योर कर रहे हो, तो सारे प्रॉपर्टी यूज हो रहे हैं। क्लियर? अब क्या है यहाँ पे मेथड कैसी है आपकी, नॉन स्टैटिक मेथड है, तो नॉन स्टैटिक मेथड के लिए हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो हमने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्लियर? फिर उसके बाद हमने उस क्लास को कॉल किया ऑब्जेक्ट के थ्रू, यहाँ पे क्या किया, कॉल किया और उसको क्या किया, एक वैल्यू में रिटर्न किया, फिर उसको हमने क्या किया, उसको प्रिंट किया। क्लियर? हेलो, गेट नेट चला गया? गया हाँ था है तो नेट है। हाँ आ गया। हेलो हेलो, आप लोग हो कि नहीं, मेरे नेट डिस्कनेक्ट हुई थी। हेलो हेलो, और मेरे नेट डिस्कनेक्ट हो गई थी, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ तक कहाँ तक थे हम लोग, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कॉल किया, ऑब्जेक्ट थ्रू गेट ए को कॉल किया, है ना। वैसे ही क्या करेंगे,
अब कॉल करते हैं किसको, बी को। तो ऑब्जेक्ट जो बनाई है, ओके 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 ठीक है, दिखने लगी स्क्रीन? ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, कॉल करता हूँ ओबी, ओबी डॉट, किसको कॉल करूँ, पहले वैल्यू को सेट करूँ, तो सेट बी को, सेव कर दिया। और मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल कर लेता हूँ, इसको भी, इसके लिए भी मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इंट आर ई टी रिटर्न टू, आर ई टी टू, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, ओबी डॉट को कॉल करेंगे गेट बी को, तो हमें वैल्यू किसकी मिल जाएगी, बी की। अभी देखो माइंड से अपने से चलाओ, है ना, हमने क्या क्या वैल्यू ये यहाँ पे क्या क्या डिक्लेयर किया, इंट इंट बी, हमने क्या क्या मेथड किया है, जिसमें ए में 100 सेट किया, गेट बी में 200, ऐसे क्लियर। फिर उसको बता, अब क्या कर रहे हो, यहाँ पे उसको रिटर्न करा रहे हो इस मेथड के थ्रू, क्लियर। तो ऐसा आप सोचो कि हमने क्या क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाई है, ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट में वैल्यू सेट की है, ऑब्जेक्ट थ्रू सेट बी में वैल्यू सेट की है, अब उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को गेट कर रहे हैं, गेट वाली मेथड चला रहे हैं। तो जब मेथड चला रहे हैं तो यहाँ पे रिटर्न टाइप है, रिटर्न है तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगी, जब रिटर्न करेगी तो हमें मुझे क्या करनी पड़ेगी, कैच करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल डी नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, कॉपी किया इसको, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, क्लियर। और यहाँ पे क्या, किसको प्रिंट कर लो, आर ई टी टू को, सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ पे रन फाइल। देखो रिटर्न वैल्यू इज 100, रिटर्न वैल्यू इज 200, क्लियर, आई समझ में, क्लियर इनकैप्सुलेशन। हेलो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, एक और मैं क्या क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, फाइल अदर्स, और यहाँ पे क्या करता हूँ, जावा फाइल, जावा फाइल, और यहाँ से नेक्स्ट, क्लियर। यहाँ पे डाल देता हूँ ई एन सी टू, है ना, इनकैप्सुलेशन के लिए दूसरा मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, क्लियर। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, डिलीट, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक और क्या करता हूँ, यहाँ पे आपका वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, देखना, अब प्राइवेट पी आर आई वी ए टी प्राइवेट, और यहाँ पे एज डाल देता हूँ, इंट एज, एज ई एज सेमी कॉलन, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्राइवेट पी आर आई वी ए टी ई प्राइवेट, और यहाँ पे डाल देता हूँ इंट आई डी, इंट आई डी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अल्ट और इंसर्ट प्रेस करता हूँ, यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रही, अल्ट इंसर्ट जो चेक कर लेते हैं क्यों नहीं हो रही है, सेटर एंड गेटर, ए सी डबल टी आर, सेटर एंड गेटर मेथड इन नेटविंस, अल्ट प्लस इंसर्ट, यही तो मैं भी टाइप कर रहा हूँ, अल्ट इंसर्ट, ठीक है, हाँ तो क्रिएट हो गई। अब यहाँ से मुझे क्या करनी है, सेटर एंड गेटर, है ना, सेटर एंड गेटर पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्या क्लिक करूंगा, दोनों पे, है ना, दोनों वेरिएबल क्या हो गई हमारी, चूज हो गई। देखो यहाँ पे क्या हो गई, वैल्यू को सेट कर दिया और इसने गेट कर दिया, देखते चलना। यहाँ पे देखो सेट आई डी, सेट आई डी, और यहाँ पे सेट एज, गेट एज और गेट आई डी, क्लियर। देखो यहाँ पे इसने ऊपर नीचे कर दिया हल्का सा, है ना, तो जैसे हमने अपने से खुद से क्रिएट किया था वो समझ में आई। तो हम लोग ज्यादा करके राइट क्लिक करके अल्ट और आप इंसर्ट प्रेस करोगे, इसके थ्रू आप लोग क्या करोगे, सेटर एंड गेटर मेथड को थ्रू जनरेट करोगे। अभी हमारे पास दो वेरिएबल्स है, अगर मान लो ऐसे हमारे पास 10-10 वेरिएबल, अल्ट और इंसर्ट प्रेस करना, है ना, अल्ट प्लस इंसर्ट, और यहाँ पे चूज करना आपको कौन से मेथड आपको जनरेट करने हैं, कौन से हमें जनरेट करने हैं, गेटर एंड सेटर मेथड,
क्लिक करो, और फिर इस पर अगर मान लो केवल इंटीजर के लिए आईडी के लिए चूज करना है तो इंटीजर आईडी के लिए जनरेट कर देना। यहाँ तो क्या हो गई गेट एज और सेट एज, क्लियर। और फिर मुझे क्या करनी है, सर और ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करूंगा, फिर से क्या करूंगा जनरेट सेटर एंड गेटर मेथड, फिर उसके थ्रू क्या कर लूंगा आपके जो आईडी बची है उसको मैं जनरेट कर लेता हूँ। तो एज के लिए जनरेट हो गई और आईडी के लिए। अब देखो अब इसको भी कैसे कॉल करेंगे, हम अपनी मेथड के थ्रू कॉल करेंगे, क्लियर। मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर। एक चीज यहाँ पे देखना आप लोग, यहाँ पे क्या है आर्गुमेंट में वैल्यू पास की गई है ना, तो मैंने आर्गुमेंट में वैल्यू पास इसलिए अभी वो वाला प्रोग्राम नहीं बताया, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि हमने आपके पॉलीमॉर्फिज्म नहीं पढ़ा है कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होती है आपके पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्लियर। तो वहां पे जिसमें क्या होता है आर्गुमेंट सेम होते हैं और नॉन आर्गुमेंट है ना, तो आर्गुमेंट वाली अभी ये चीजें मैंने नहीं बताई है इसलिए इसको स्किप किया था। तो अभी आप लोग देख लो अभी है ना सेटर एंड गेटर मेथड आप लोग पढ़ रहे हो तो, क्लियर। अब मैं कॉल किसको करूं, पहले यहाँ पे क्लास के ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो ENC2 के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पहले, सेम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कंट्रोल भी, और यहाँ पे OB2 कर देता हूँ। OB2 इक्वल टू न्यू कीवर्ड क्लास सेमी कॉलन, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ OB2 के थ्रू OB2 डॉट, अब किसको कॉल कर लूँ पहले बताओ, सेट करने के लिए पहले सेट एज को कर लेता हूँ, सेट ACT सेट एज OB2 है ना, OB2 डॉट सेट। तो जब प्रॉम्प्ट ना करे तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ हमारी गड़बड़ हो रही है ना। अब देखो क्या होती है यहाँ पे आर्गुमेंट पास करना है, क्या हमें आर्गुमेंट हमें पास करना है। तो अपने जो पिछला क्लास था यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे वैल्यू हमने खुद से डाला था, देखो एज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 100। यहाँ पे क्या किया है केवल रिटर्न किया है यहाँ पे दिस डॉट एज, अभी आप लोग दिस कंसेप्ट भी नहीं पढ़े हो है ना, तो बट आगे अभी हम लोग पूरा एग्जैक्ट सीखेंगे दिस का और सुपर का है ना, सुपर विथ वेरिएबल, सुपर विथ मेथड, सुपर विथ कंस्ट्रक्टर है ना, ये सारे सब चीजें एक एक लाइन देखेंगे, एक एक चीज आपको सब क्लियर होती चलेगी। अभी जैसे ये वाला प्रोग्राम क्लियर हुआ ना, सारे एग्जैक्ट वैसे के वैसे क्लियर होते चलेंगे है ना। तो अभी आप लोग यहाँ पे समझो इतना, केवल हमने वैल्यू क्या की है मेथड क्रिएट की है, रिटर्न एज करेगा ये वाला, सेट करेगा वैल्यू को, हम लोग यहाँ से जो वैल्यू देंगे। अब मैं यहाँ से डाल देता हूँ एज 25, क्या किया हमने एज को पास किया 25। अब जब एज को 25 पास किया तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, अब गेट मेथड भी तो रन करनी है ना, तो गेट एज देखो यहाँ पे क्या करेगी रिटर्न एज करेगी। तो देखो यहाँ पे करूंगा OB2 डॉट गेट एज कंट्रोल जेड डॉट गेट एज सेमी कॉलन, क्या हो गई गेट कर लिया हमने। अब इसको चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दो मेथड है, कंट्रोल एक्स करता हूँ इसको, इसको डायरेक्ट मैं प्रिंट कर लूँ SOUT, टैब प्रेस करता हूँ इसमें और डालता हूँ यहाँ पे OB2 डॉट गेट एज, सेव करता हूँ और रन, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। तो हमने क्या किया था पास 25 पास किया था, तो यहाँ पे क्या आ गई 25, क्लियर। इसमें दिक्कत पहले हमने तो क्या किया था, पहले स्टार्टिंग फिर से बता देता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ है ना। हमने क्या किया था सेटर एंड गेटर मेथड बनाने के लिए हमने क्या किया था प्राइवेट इंट एज प्राइवेट इंट आईडी किया था, फिर उसके बाद क्या किया यहाँ पे क्लिक कर देना बीच में अल्ट और इंसर्ट वाली प्रेस करने की, हाँ इंसर्ट जो डिलीट और प्रिंट मतलब बैक स्पेस का है ना उसके उस सबसे ऊपर है डिलीट वाले है ना इंसर्ट, और यहाँ से गेटर एंड सेटर मेथड जनरेट कर लेना। अब दोनों के लिए हमें करनी है तो दोनों मेथड के लिए चूज कर लेना और यहाँ पे जनरेट क्या हो गई हमारी वैल्यू जनरेट हो गई। हमने क्या किया था उस टाइम पे हमने एज की वैल्यू यहाँ पे सेट के अंदर सेट किया था है ना, अभी आप लोग दिस भूल जाओ अभी क्या है ना, बस वो समझो कि जो इसमें वैल्यू है यहाँ से हम वैल्यू जो दे रहे हैं है ना इस मैसेज के थ्रू इस वाले मेथड के थ्रू, यहाँ पे 25 25 और क्या है सेट एज है, तो यहाँ से कौन मेथड कॉल होगी सेट एज, और जो हमने 25 सेंड किया है इसके आर्गुमेंट में जाएगी, यहाँ पे आर्गुमेंट में कितना आ जाएगी एज 25 और क्या हो जाएगी दिस डॉट मतलब दिस मतलब जो आपके इंस्टेंस है करंट है जो वेरिएबल्स है उसके में असाइन हो जाए, इसका मतलब ये होती है अभी के लिए समझो है ना। जो हमने यहाँ पे क्या वैल्यू है ये वाला वेरिएबल है
इसके अंदर जो एज है करेंट दिस, मतलब करंट मतलब जो आपके करंट वाला है ना इंस्टेंस वेरिएबल में क्या हो जाएगा, वैल्यू को असाइन कर दे 25। बस इसके बाद कॉल कर लिया, तो कॉल करने के बाद क्या होगी, वैल्यू हमारी सेट हो गई एज में। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे गेट एज किया, क्या किया गेट एज, तो यहाँ पे हमें गेट एज यहाँ पे क्या किया, गेट एज मेथड को कॉल किया और यहाँ से मेथड क्या हो गया हमारी, ये वाली वैल्यू को रिटर्न कर दिया। क्लियर? ठीक है। वैसे ही मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब क्या करूंगा, वो भी टू डॉट सेट आईडी को, सेट आईडी, और यहाँ पे मैं आईडी सेट कर देता हूँ 101, और फिर मैं ऐसे ही क्या कर लूंगा, इसको भी रन कर लूंगा, है ना। दोनों मेथड है, अब चाहो तो क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल में वैल्यू को असाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे कर लो इंट माई आईडी, यहाँ पे माई आईडी इक्वल टू ओबी टू डॉट यहाँ पे गेट आईडी सेमी कॉलन, फिर इसको प्रिंट कर लो, एस ओ यू टी टैब प्रेस करो और किसको पास कर दो आप यहाँ पे माई आईडी को, माई आईडी सेव, राइट क्लिक और रन, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो हमारे एज क्या है 25 और आईडी क्या है 100 101। क्लियर? अब इसमें दिक्कत, हेलो समझ भाई, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्राइवेट पी आर आई वी ए टी प्राइवेट स्ट्रिंग एस टी आर आई एन जी और यहाँ पे डाल देता हूँ नेम सेमी कॉलन, राइट क्लिक, राइट क्लिक नहीं, यहाँ पे मुझे फिर क्या करनी है सेटर एंड गेटर मेथड है ना, मैं अपना यहाँ पे भी अपना सेटर एंड गेटर मेथड बना सकता हूँ। देखो कैसे कर सकता हूँ है ना, ध्यान से देखते चलना। क्या करता हूँ void और यहाँ पे बना देता हूँ सेट नेम नाम की मेथड, सेट नेम कुछ भी मेथड का नाम दे सकते हो, सेट नेम और यहाँ पे बॉडी। अब मुझे सेट करनी है इसमें, तो यहाँ पे कर दूंगा नेम इक्वल टू, देखो नेम इक्वल टू मैं डाल देता हूँ इसमें कुछ भी नाम, जावा डेवलपर डाल देता हूँ। क्लियर? जावा डेवलपर, उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डालता हूँ void, देखना यहाँ पे void और इसको मैं गेट करता हूँ, देखना यहाँ पे गेट नेम, गेट नेम और यहाँ पे क्या करता हूँ रिटर्न आर ई टी यू आर एन रिटर्न आर ई टी यू रिटर्न और यहाँ पे डालता हूँ नेम, देखना एरर आएगी, देखना अननेसेसरी क्या है रिटर्न टाइप। इसको मैं क्या करता हूँ इंट कर देता हूँ, फिर भी क्या आ रही है एरर आ रही है। क्लियर? देखो तो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं हमें उसी टाइप की वैल्यू को क्या करनी पड़ेगी, कैच करनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या किया इसकी कैसे वैल्यू कर दी स्ट्रिंग टाइप की, ये वैल्यू कैसे करेगी रिटर्न स्ट्रिंग। ठीक है, आप लोग हाँ बोलते चलो, आप लोग चुप हो जाते हो, मैं इधर पढ़ाते रहता हूँ है ना। ठीक है, मैं इसको क्या कर सबको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है सब क्या हो गए कमेंट हो गए। क्लियर? मैं यहाँ पे अब क्या कर लूँ प्रिंट कर लेता हूँ, अब कैसे सबको क्यों करूँगा, क्यों क्लास तो हमें चाहिए ना, क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट जो बनाया है। ठीक है, अब क्या है ob2, तो ob2 डॉट इसको कॉल कर दो सेट नेम को, सेट नेम को कॉल किया इंटर, तो वैल्यू क्या हो गई सेट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉल करता हूँ किसको ob2 डॉट गेट को, get गेट और यहाँ पे क्या है नेम इंटर सेमीकोलन। ठीक है, एरर नहीं। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वैल्यू को हमने कैच भी करना है, चलो पहले ये वाला रिटर्न डायरेक्ट कंट्रोल एक्स करता हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ, एस ओ यू टी टाइप प्रेस करता हूँ और इसको डिलीट कंट्रोल भी सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो क्या आ गई जावा डेवलपर। तो हमने क्या देखा, इंटीजर भी वैल्यू रिटर्न करके देखा,
और कुछ अगर आप नहीं भी रिटर्न करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या होगी, वॉइड, है ना। तो वॉइड इंटीजर और स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, तीनों को मैं पास करता हूँ। अब इसको क्या कर दूँ, अनकमेंट कर दूँ। ये तो क्लियर हो गई है ना, ये भी क्लियर हो गई, हो गई ना क्लियर। ठीक है, सेट नेम को कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे सेट को मैं पास कर देता हूँ, कंट्रोल भी। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सारे एक ही चीज समझ में आ जाए। यहाँ पे गेट नेम वाली आपकी मेथड है, ठीक है। अब आप लोग देख लेना, अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेथड हम भी बनाए पास करने वाला आर्गुमेंट यहाँ से। देखो हमने आर्गुमेंट यहाँ से पास नहीं किया है, कहाँ से, माई नेम वाली यहाँ से। देखो ये वाला खाली ब्लैंक है, तो हमारी भी क्या है यहाँ पे, ब्लैंक है। देखो यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक किसमें है, सेट वाली में, है ना। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और यहाँ पे डाल देता हूँ कोई भी वेरिएबल डाल देता हूँ S1। अब क्या होता है कि एरर, क्योंकि हमने आर्गुमेंट वाली कोई भी मेथड नहीं पास की है ना। देखो यहाँ से अब क्या आ गई, एरर आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे डबल कोट में डाल देता हूँ कुछ भी, दावा, सेव करता हूँ। अब क्या होगी, यहाँ पे देखो एरर चली गई, क्लियर। अब क्या हुई, वैल्यू किस में आ जाएगी, बट अभी भी क्या होगी, नेम में आपकी जावा डेवलपर ही आएगी, क्लियर, क्योंकि हमने इसमें कैच नहीं किया। देखो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ, देखो अभी भी क्या है, जावा डेवलपर, है ना। तो अभी आप लोग को ये कंसेप्ट इसलिए समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि हमने दिस का कंसेप्ट नहीं सीखा है ना, क्लियर। तो ये अभी आपकी क्या है, मिरर है, क्लियर। आपका ये क्वेश्चन भी बनता है कि अभी हमने क्या किया, यहाँ पे तो वैल्यू सेट की है, यहाँ पे तो आ जा रही है, बट ये क्या है, दिस। तो दिस यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे ही this dot name सेव करता हूँ, राइट क्लिक और रन, देखना अभी क्या होगी, जावा डेवलपर आई है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने वैल्यू पास की है। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा, पास करूंगा S1 को, S1, तो क्या होगी, करंट वैल्यू अब लेगी यहाँ पे, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो अब क्या आने लगी, जावा, हमारा S25, आपका वेरिएबल्स, आपका आईडी कितना है, आईडी 101, और जो हमने अपने नाम सेंड किया है वो क्या है, आपका जावा, क्लियर। अब दिक्कत इसमें इनकैप्सुलेशन, समझ में, कोई कोडिंग आपसे बोलेगा कि इनकैप्सुलेशन की कोडिंग करके दिखाओ तो उसमें आप फंसे हुए, बताओ आप लोग। बोलो, हेलो, ये वाले प्रोग्राम्स नोट्स में शायद देख लो, यहाँ पे ये वाले सेट एंड गेट, ये वाले मेथड है ना, ये अभी जो थोड़ा सा एडवांस बताया वो नहीं है ना। ये वाला मैं सेंड कर दूंगा, ये वाला आप, ठीक है, मैं नोट्स में डाल दूंगा है ना इसको, ठीक है, एडिट करके। तो अभी ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, देखो इसलिए मैं लाइन वाइज एक एक, मतलब आपको स्टेप बाय लेकर चला कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। इसलिए पहले मैंने क्या समझाया था आपको, डायरेक्ट समझो, पहले डेटा टाइप समझो। जैसे आपने डेटा टाइप समझा, तो प्रिमिटिव टाइप का, तो प्रिमिटिव टाइप में हमने क्या यूज करने लगे, इंटीजर यूज करने लगे है ना। इंटीजर के बाद फिर स्ट्रिंग यूज करने लगे है ना। अभी हम लोग किस पे नहीं है, आपके अरे पे नहीं है, इंटरफेस पे नहीं है, अभी आगे टॉपिक आते चलेंगे। फिर उसको वेरिएबल्स देखा, तो इंटीजर काउंट, इंटीजर एज, इंट ए, इंट बी, ये सारे टाइप का हमने वैल्यू देखा है ना, वेरिएबल्स बनाए थे। फिर हमने स्ट्रिंग देखा आज की क्लास में, फिर उसको वेरिएबल्स देखा था, स्टैटिक, लोकल और आपके, देखो तो अब यहाँ पे क्या बन रहे हैं, आपके ये लोकल वेरिएबल बन जा रहे हैं। अभी तो क्या है, आपके ग्लोबल है, और जब मैं इसको इसी वाले मेथड के अंदर बनाऊंगा तो आपका कैसे वेरिएबल बन जाएंगे, लोकल वेरिएबल बन जाएंगे, क्लियर। और स्टैटिक है, तो स्टैटिक कीवर्ड यूज नहीं किया हूँ, तो स्टैटिक वेरिएबल है नहीं, क्लियर। फिर उसको हमने पढ़ा था स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड है ना। तो देखो यहाँ पे स्टैटिक मेथड, स्टैटिक कीवर्ड यूज किया गया है, नहीं नहीं किया गया ना, तो कैसे मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है, तो यानी कि इसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करनी पड़ेगी। तो ये वाली कंसेप्ट क्लियर हुई, तो जैसे ही कंसेप्ट क्लियर हुई तो उसके बाद हमने क्लास देखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखा, फिर आज की क्लास में क्या देखा, इनकैप्सुलेशन। तो एक एक वाइज चलते जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको समझने में, एक एक चीजें आपको कोई डाउट आ रही है, नहीं ना, क्लियर। एक एक चीज आप बता सकते हो, क्या है आपका क्लास है, यहाँ पे पब्लिक है, क्लास का नाम है, यहाँ पे क्लास और क्लास का नाम, फिर आपका क्या है प्राइवेट,
उसके बाद क्या, कोई क्वेश्चन आए, सर आई एम नॉट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज ऐड मी, नंबर सेंड कर दीजिए, मैं आपको डाल दूंगा। जो भी नहीं है व्हाट्सएप पे वो मुझे नंबर सेंड कर दीजिए, है ना, मैं डाल दूंगा, क्योंकि जो वीडियो लेक्चर होती है वो भी उसको मैं ऐड करके डाल देता हूँ, है ना। ठीक है, अभी जो रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है, ठीक है, कुछ भी अगर नई वीडियो मैं डाल पाता हूँ तो एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, है ना, मैं उसको डाल दूंगा। ठीक है, तो इतना समझ में आई, ठीक है। अब तो आप लोग अच्छे से आराम से क्या करते होगे, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते होगे, वैल्यू पास करना सीखे आज के क्लास में, है ना। ठीक है, पिछले क्लास में कोई दिक्कत अभी आप लोग को, देखो इस क्लास में आप लोग पढ़ते चलोगे जो पीछे वाला रिवीजन होती चलेगी, प्लस साथ में जो आज आप कर रहे हो, है ना, वो भी आप लोग को होती चलेगी। ठीक है, होते जब मीटिंग खत्म हो जाती है ना तो जो आपकी चैटिंग रहते हैं वो चले जाते हैं। ठीक है, और अब आगे बैठे थोड़ा सा, आगे कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, इनकैप्सुलेशन समझ में दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, कौन सा टॉपिक हमारा, पॉलीमॉर्फिज्म, इसके बाद ये टॉपिक आप पढ़े हुए तो फिर सब क्लियर होते चलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका पैरामीटराइज जो पैरामीटर है ना ये वाले कंसेप्ट आ जाएंगे, क्लियर। तो पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज अ कंसेप्ट बाई विच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वे, है ना। जैसे कि यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल के लिए आप लोग कब से पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर रहे हो, यहाँ पे देखो ये हमारे इस वाले क्लास में आ गई। हाँ, ये आपको हम लोग एडिशन से क्या करते थे, देखो यहाँ पे वेरिएबल्स बनाऊंगा मैं, इंट ए इक्वल टू 10, और यहाँ पे डालता हूँ इंट बी इक्वल टू 20 सेमी कॉलन, और यहाँ पे डाल देता हूँ वेरिएबल, तो पहले से क्या है ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो हम इसको क्या कर देता हूँ, डबल ए कर देता हूँ, इसको मैं डबल बी कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे करता हूँ इंट इंट सम इक्वल टू डबल ए प्लस डबल बी। अब देखो वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कंकनेट ना करके यहाँ पे क्या कर रही है, दोनों वैल्यू को प्लस कर रही है, क्या कर रही है प्लस, क्लियर। अब देखो वही चीज यहाँ पे क्या कर रही है आपकी, कंकनेट कर रही है, ये आपका क्या है डबल कोट में, मतलब इसका मतलब स्ट्रिंग वैल्यू, और ये आपका क्या है इंटीजर टाइप का, तो दोनों वैल्यू को कंकिनेट कर रही है यहाँ पे, एडिशन नहीं कर रही है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, पॉलीमिस मैनी फॉर्म, मतलब उसके फॉर्म्स, तो जिसके एक नाम हो बहुत सारे वर्किंग हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, क्लियर। इसके मतलब समझ में आया, एग्जाम्पल के लिए आप लोग जैसे पूछ सकते हैं रियल एग्जाम्पल दो, जो आपके इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे मतलब जानना चाहते हैं कि रियल एग्जाम्पल है, क्लियर। तो उस टाइम पे अगर रियल एग्जाम्पल भी देते हो तो वहां पे क्या होती है, कंसेप्ट हमारी क्लियर होते चल अपनी भी क्लियर हो जाती है, और हमें भी लगता है कि चलो हमने अच्छे से समझा दिया उनको, उनको भी अच्छे से समझ में आ गई, क्लियर। तो आप ऐसे ऐसे करके समझ में आती चलेगी, क्लियर। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल आप लोग इजीली ए वाला दे सकते हो, है ना, एडिशन वाला, क्लियर। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म कितने टाइप होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, क्लियर। एक चीज और आप लोग से मैं बता रहा हूँ, आप लोग कितना भी पढ़ लो, है ना, अगर कंसेप्ट क्लियर उस टाइम पे नहीं रहा ना इंटरव्यूअर के टाइम पे, आप तो एक नर्वस हो गए और उस टाइम पे क्या हो जाएगा, भूल जाओगे कि पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप की होती है, एक कंपाइल टाइम होती है, एक रन टाइम होती है। अब मेथड ओवरलोडिंग किस में होती है, मेथड ओवरराइडिंग किस में होती है, अब चार चीजें आ गई होगी देखो दिमाग में, मैंने अभी आपको कंफ्यूज किया है ना, अभी अभी मैं क्लियर करता हूँ आपको, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग कंपाइल टाइम पे कब होगी, रन टाइम पे कब होती है। देखो एक आपकी मेथड ओवर लोडिंग है, दूसरी क्या है मेथड ओवर राइडिंग है। देखा, मैं एक जो चीज है यहाँ पे राइडिंग, तो राइडिंग यानी रन टाइम पे, याद रखना राइडिंग कब होगी, रन टाइम पे होगी, और मेथड ओवर
लोडिंग कम होगी, कंपाइल टाइम पे होगी। क्लियर? ऐसे अपने माइंड में जैसे हुआ कंफ्यूजन, मेथड ओवर लोडिंग, मेथड ओवर राइटिंग, तो राइटिंग मतलब रन टाइम पे होगी। क्लियर? जब आप प्रोग्राम को रन करोगे उस टाइम पे आपको आएंगे कब, क्या आएगी, मेथड ओवर राइटिंग आएगी। एक चीज और डिफिनेशन होती है अलग इसके, व्हाट इज डिफरेंस, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। क्लियर? तो डिफरेंस कैसे समझाना आप लोग, जो आपकी मेथड ओवर लोडिंग होती है वो सिंगल क्लास के अंदर होती है, देखो क्लास क्या है, एक सिंगल है आपका, जबकि मेथड ओवर राइडिंग है, राइडिंग जो कि आपको दो अलग क्लासेस में होती है ना। अब देखो यहाँ पे अलग एक चीज आई होगी, एक्सटेंड कीवर्ड है ना, इसे अब क्या होती है ना, पहले ये दो कंसेप्ट पहले क्लियर करो, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। क्लियर? तो आपके आपके पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप के होते हैं, एक मेथड ओवर लोडिंग, दूसरा एक होती है मेथड ओवर राइडिंग। अब इसमें क्लियर होगी, मेथड ओवर लोडिंग कब आएगी, आपकी कंपाइल टाइम पे आएगी, मेथड ओवर राइडिंग कब आएगी, रन टाइम पे आएगी। अब इसको समझने का ट्रिक क्या है, राइडिंग रन टाइम पे आनी चाहिए है ना, राइडिंग आर से, राइडिंग आर से रन टाइम, अपने मतलब ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है, आप लोग भूलो ना, मतलब कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने ये बता दिया ना, ऐसे याद कर लेना। क्लियर? ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि कंफ्यूजन होगा तो क्या बताना है, मतलब माइंड में आ जाने चाहिए मेथड ओवर लोडिंग कब होगी, मेथड ओवर राइडिंग कब होगी, है ना। तो क्या क्या होती है, जैसे कि मान लो मैं बोलूंगा वीक है ना, देखो तो वीक डब्ल्यू डब्ल्यू के, डब्ल्यू ई ए के है ना, अब इसके लिए क्या कर सकते हो, डब्ल्यू डब्ल्यू के है ना, जैसे देखो यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू के वीक क्या हो गया, ये सप्ताह वाला हो गया, और जो वीक कमजोर होती है डब्ल्यू ई ए के है ना। तो अब इसको देखो, कोई लोग जो कंफ्यूज होते होंगे है ना, जैसे मान लो किसी को समझाना होगा तो ऐसे बता देना, डबल ई होगा तो यानी कि स्ट्रांग होगा वो, यानी कि कमजोर नहीं होगा है ना, यानी इसमें क्या है, सिंगल यानी वीक, ये बीमार वाला है ना, कमजोर वाला वीक है। तो ऐसे ऐसे अपने माइंड में अगर सेट बनाते चलोगे ना, तो ये चीजें बहुत याद रहती है। क्लियर? कंफ्यूजन के लिए आई समझ में? तो ऐसे ही अपने प्रोग्रामिंग लाइफ में भी अपना एक चीज, हाँ, जो जहां पे कंफ्यूजन हो तो अपने माइंड में वो सेट क्रिएट कर लिया करो कि वो ये चीजें मैं इसको याद रख सकता हूँ, इसको ऐसे याद रख सकता हूँ। क्लियर? ठीक है, कंट्रोल में, ठीक है। अब आते हैं पैरामीटर समझने वाले है ना, पैरामीटर क्या होते हैं ना, आते हैं पे मेथड बनाते हैं, आते हैं नेटबीन्स में एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ये दोनों हटा दो ना, देव इसको हटा देता हूँ। क्या करना है, फाइल पे क्रिएट करना है। अब देखो जो लोग डाउनलोड नहीं किए होंगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ है ना, इतने सारे लोग, सारे लोग के पास नेटविंस है? ठीक है, देखो यहाँ पे स्क्रीन शेयर है मेरी, ठीक है। पहले तो आप लोग जावा डाउनलोड कर लेना है ना, जावा का कोई भी वर्जन, तो जैसे जावा के वर्जन आपको चेक करना है तो विंडो आर प्रेस करना, विंडो आर सी एम डी, और टाइप करना जावा हाइफन हाइफन वर्जन, VERSION, इंटर। देखो मेरे पास कौन सा है, जावा का 14 वर्जन है। क्लियर? जावा जब इंस्टॉल कर लोगे अगर पाथ सेट नहीं आएगी, अब देखो चेक करना कैसे, टाइप करना जावा उसके बाद इंटर करना, तो इतने सारे अगर आपके ओपन हो जाते हैं ये कमांड्स है ना, इतने सारे तो समझना कि आप में क्या है, जावा इंस्टॉल है। फिर दूसरा टाइप करना जावा सी, जावा सी, फिर इतने सारे सब सेटअप जो कमांड है इतने सारे अगर रन हो जाते हैं तो समझना क्या कि अब में जावा का कंपाइलर भी है। क्लियर? तो ऐसे चेक कर लेना, नहीं होगा तो आप लोग का क्या करना है, जावा के वेबसाइट पे जाके इंस्टॉल कर लेना, जावा डाउनलोड, तो ओरेकल की वेबसाइट पे जाना है यहाँ पे, और जो 17 है 16 है यहाँ पे, तो जैसे विंडोज है तो विंडोज के लिए आप लोग डाउनलोड कर लेना यहाँ पे एमएसआई इंस्टॉलर, इस पर क्लिक करना कंट्रोल जे, तो क्या होगी इंस्टॉल होने लगी। फिर इस पे क्या, किस पे जाना है आपको, नेटविंस पे, तो नेटविंस डाउनलोड, तो नेटविंस पे क्लिक कर लेना, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना, ठीक है। और अपाची यहाँ पे नेटविंस किस पे है, यहाँ पे विंडोज वाली है, तो इस पे क्लिक कर लेना विंडोज exe, और यहाँ पे क्या है नेटविंस 60, तो अपाची कंट्रोल जे करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो गई, डाउनलोड होने लगी है ना, तो मैंने भी सेम यही डाउनलोड किया है ना, कि मैं इसको लिंक सेंड कर दूं आप लोग को, कॉपी कर लेता हूँ, देखो जैसे अभी आप लोग हो तो आप लोग देख लो है ना, कंट्रोल
कंट्रोल भी इंटर, और आपकी जावा के भी डाल देता हूँ, है ना। हाँ आप वीएस कोड हर किसी में कर सकते हो, बस आपको देखो प्रोग्राम आपको तो यही करना है ना, क्या बोल आपको क्लास क्रिएट करनी है। कैसे कर सकते हैं, वीएस कोड में पिछले क्लास में समझाया था, आज किस में समझाया, नेटबीन्स में समझाया। आप लोग क्या हो, डेवलपर हो, है ना, आपको कोई भी चीज उठा के दे दिया जाए आप लोग कर लेना चाहिए, है ना। बस आप लोग के पास अगर एक दो पीसी या जाए कहाँ कहीं भी आप वर्क करते हो, है ना, तो वहाँ पे सब क्या करना है ना, सारे में आप विंडोज मतलब आपको इंस्टॉलेशन में टाइम नहीं आना चाहिए ना। जैसे कि आप लोग जिस फील्ड में हो, है ना, जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई भी मैं डॉक्टर है, मान लो डॉक्टर है तो अपने साथ सारे मतलब ऑपरेशन के सारे सामान रखते हैं ना, तो वैसे ही आप लोग क्या हो, डेवलपर हो, तो आपके भी पास सारे क्या होने चाहिए, इरर्स के हल्स करने आना चाहिए। जैसे कि मान लो नेटवर्क डाउनलोड कर रहे हो, है ना, इंस्टॉल किया नहीं इंस्टॉल हुआ, फिर उसमें कोई सर्वर की एरर आ गई, तो क्या किसके पास जाओगे आप, अपने हो ना डेवलपर, तो आपको अपना सॉल्व करने आना चाहिए। क्लियर। अभी अपने नेटबीन्स इंस्टॉल कर लिया, फिर इक्लिप्स डाउनलोड करोगे, है ना, तो क्या करोगे, दोनों उस टाइम पर रन करोगे ना, तो एक ना एक कोई एरर आएगी उस टाइम पे, तो उसको सॉल्व करने आना चाहिए। फिर दूसरी प्रॉब्लम आती है जैम्प, जब अपने डेटाबेस में हम लोग JDBC पढ़ेंगे ना, JDBC, तो उस टाइम पे जैम्प में प्रॉब्लम आएगी आएगी XMPP, तो इसमें भी प्रॉब्लम बहुत सारे आते हैं, है ना, सभी को आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही को आते होंगे, सभी को आते होंगे, इसलिए तो सारे प्रॉब्लम्स आते होंगे। देखो इसका प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, जैम्प सर्वर एरर, देखना कितना आ जाएगा। कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ और डाल देता हूँ, कंट्रोल भी नॉट कनेक्टेड, यहाँ पे नॉट वर्किंग, देखो यहाँ पे इतने सारे देखो ऐसे एरर एरर आएगा आप लोग का भी। क्लियर। यहाँ पे ये वाला एरर तो आएगा ही, तो ये सब चीज फिक्स करने आना चाहिए ना। तो आप लोग के पास एक आइडिया ले, पैसा ना हो कि मैं बैठ गया कि हाँ मुझे नेटविंस पे आती है तो नेटविंस पे ही वर्क करूंगा, है ना। आप लोग को जो दे दिया जाए, VS कोड दे दिया जाए, आपको नेटविंस दे दिया जाए, आपको STS दे दिया जाए, आपको इक्लिप्स दे दिया जाए, अभी चार जो मैंने बताया तो चारों मतलब पॉपुलर है ना, तो चारों पे कम से कम आना ही चाहिए, है ना। और रिज्यूमे भी ये अच्छी से ऐड करते हैं कि मैंने इक्लिप्स पे काम किया है और नेटविंस पे काम किया है, मेरा जो कोड एडिटर एडिटर था वो क्या था, विजुअल स्टूडियो कोड था, है ना, तो रिज्यूमे भी ये चीजें ऐड होती है। क्लियर। हाँ तो आप लोग क्या करना, डाउनलोड कर लेना, मैंने ये दो चीजें बता दी किसके लिए, नेटबिंस के लिए, है ना। तो अगर एक दो भी प्रोग्राम, तीन चार प्रोग्राम इसमें बना लेते हो तो आपका हाथ क्या हो जाएगी, मतलब हाथ क्या मतलब माइंड मतलब सेट हो जाएगी कि इस पे ऐसे वर्क करते हैं, है ना। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, है ना, एक एक कंसेप्ट पढ़ते चलते हैं। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना इसकी, है ना, आज रात को। क्लियर। अब कोई भी डाउट होती है, कोई भी क्वेश्चन आती है तो पूछना, है ना। तो क्या चीज़ें होती है कि जैसे कोडिंग में और हमें डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंट होती है ना, जैसे कि एग्जांपल के डेवलपमेंट में क्या होती है कि आपके अलग तरीके से ही चलते हैं, उनके कोड अलग तरीके से की जाती है ना, बट कंसेप्ट आपके यही वाले होते हैं, है ना। ऐसे ही इनकैप्सुलेशन की हमें जो टास्क यहाँ पे आप परफॉर्म करोगे तो आपको देखेगा कि हाँ मैंने ऐसे इसको टास्क मतलब वेरिएबल को असाइन किया है, हमने ऐसे वैल्यू पास किया, ऐसे कैच किया, यहाँ से वैल्यू जा रही है तो यहाँ से कैच होके आ रही है, ये सारे कंसेप्ट यही होते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है टफ हो जाते हैं, है ना। तो अभी से सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। ठीक है, तो अगले क्लास में पहले बताऊंगा क्या पैरामीटर की मेथड कैसे बनाते हैं, पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज। क्लियर। उसके बाद मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्लियर। ठीक है, आज क्लास में कोई डाउट जावा का फ्रेमवर्क, देखो एक बार आपके जावा का फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, स्प्रिंग और हाइबरनेट। हाँ बोलिए। ठीक है, हाँ जितने भी क्लास में सबको एक बार रिमाइंड करवा दूंगा, है ना, कि हाँ क्या क्या चीजें होती है। एक चीज और बतानी है कि कल की और परसों क्लास मतलब क्या हो मतलब नहीं हो पाएगी, है ना। ठीक नहीं कल भी नहीं, आज नहीं, कल कल नहीं होने, कल आपकी शादी है ना, इसलिए शादी में जाना है, सिस्टर की शादी है। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ ग्रुप में मैं अभी ऐड कर देता हूँ अभी आपको, है ना।
ठीक है। और मैं क्वेश्चन आपको, जैसे कि आप अब क्वेश्चन किस पे कर सकते हो, इनकैप्सुलेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उस पे मैं, अगर मिल जाती है मैं तो सेंड कर देता हूँ अभी, नहीं तो आप क्या करना, सर्च करके जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना। क्लियर? हाँ, तो पहले आपका आज का काम क्या है, पहले तो आपको आईडीएल इंस्टॉल करनी है, नेटबीन्स इंस्टॉल करनी है ना, फिर उसके बाद जो कोड है उसको आपको देखना है ना, क्रिएट करके, फिर विदाउट सेटर एंड गेटर मेथड के थ्रू दो, एक जैसे कि हमने वैल्यू पास किया वैसे। क्लियर? तो ऐसा करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन आपके हाथ में चलने लगेंगे कोडिंग पे, है ना। ठीक है, जो लोग करते होंगे बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं करते हैं वो आज से स्टार्ट कर दे। क्लियर? कोडिंग ठीक है। क्या होती है कि हम लोग कंसेप्ट तो बुक में मिल जाती है, पढ़ लेते हैं, बट ये चीजें जो समझ लाइन वाइज होती है ना, हमें समझने वाली वो सब चीजें थोड़ा सा मतलब हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्लोज करो क्लास। ठीक है, जावा का फ्रेमवर्क पूछा था ना, जावा का फ्रेमवर्क आपके अभी एडवांस में चल रहे हैं, आपके लेटेस्ट में स्प्रिंग और हाइबरनेट चल रहे हैं, स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट, है ना। फ्रेमवर्क होता है कि आपको टास्क को एक पैटर्न, जैसे एमबीसी पैटर्न होगी, एमबीबी पैटर्न होगी, है ना, अब आपके पैटर्न को फॉलो करने होते हैं, है ना, मॉडल व्यू, व्यू मॉडल, है ना, सबके अलग होते हैं। जैंग कैन वी लिव, हाँ आप लोग लिव कर सकते हो, है ना। ठीक है, सीधा आप अगले मतलब कल और परसों नहीं होगी, है ना, फिर मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, है ना, कि कब ज्वाइन होनी है। ठीक है, तो देखो क्लास और आपके जो फ्रेमवर्क्स होते हैं पैटर्न पे फॉलो करते हैं, एमबीसी पैटर्न, एमबीबी पैटर्न, है ना, तो ये सब पैटर्न आपको मतलब सीख आना चाहिए, है ना। अभी हम लोग अभी पैटर्न अभी आगे सीखेंगे, जब हम अपना वर्क करेंगे कोई भी चीज आपको नहीं छूटेगी। क्लियर? हाँ, देखो ऐसा क्या है कि जिस टॉपिक में मैं बोलता हूँ तो मतलब मेरे लिए टाइम कम पड़ जाते हैं, नॉलेज तो मतलब ऐसा कि समझो कि हाँ जिस फील्ड में बोलो कि हाँ ये चीज है, जैसे कि आप पीएचपी नहीं पढ़नी थी बट पीएचपी के उतना करते 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 एक क्लास हमने खींच दिया पीएचपी का, कि ऐसे ऐसे वर्क होते, ये चीजें भी बता दिया। क्लियर? तो वैसे हर एक क्लास में हो जाएगी आपको, है ना, नॉलेज सबको मिल जाएगी। तो बट हमें अपने मेनली मान के चलना है जावा पे, क्योंकि हमें इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी है, प्लस प्रोजेक्ट भी हमें हैंडल करनी है ना। क्लियर? तो फ्रंट एंड पे जो लोग का नहीं हुआ है तो फ्रंट एंड की भी उनका क्लियर करवाया जाएगा, फ्रंट एंड प्लस आपके जावा जो चल रहा है यहाँ पे, तो आपके जावा में और मतलब 10 क्लास के अंदर आपका कोर जावा कंप्लीट हो जाएगा। उसको जेएसपी जैसे स्टार्ट होगा तो हम लोग का प्रोजेक्ट मतलब समझो छोटा छोटा स्टार्ट हो जाएगा उस दिन से। क्लियर? ठीक है, मैं आप लोग को इतना बना दूंगा, आपको कोई भी प्रोजेक्ट मतलब आएगा, अभी कुछ कुछ ट्रिक्स बचे हैं अभी, है ना, लास्ट में क्लास मतलब खत्म होते जाएगी हमारी, मैं उसको आपको ट्रिक्स बताते चलूंगा। क्लियर? कि कैसे सब चीजें हाँ क्या करनी है ना। ठीक है, तो क्लोज करूं अब। स्वैप टू वेरिएबल्स विदाउट थर्ड वेरिएबल्स, ये वाला प्रोग्राम है ना। देखो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पर्सन ए है, यहाँ पे पर्सन ए कंट्रोल डेट, यहाँ पे बनाता हूँ ए को और यहाँ पे डालता हूँ बी को, क्या हो गया, बी हो गया, है ना। अब ए को चेयर मान लो, इसको डाल देता हूँ, इसका चेयर का नाम डाल देता हूँ, मान लो इसको डाल देता हूँ कार, इसको डाल देता हूँ बस, है ना, BUS, अब समझ में आ जाएगी, है ना। जो कार ए में बैठा है, जो पर्सन ए में बैठा है, अब उसको किस में ले जानी है, बी में लेकर जानी है, और जो बी में बैठा है उसको ए में लानी है। तो हम लोग क्या करते थे पहले, पहले क्या करते थे, थर्ड वेरिएबल के थ्रू एक और हम लोग क्या करते थे, किसी चीज पे बैठाने के लिए हम लोग बनाते थे कि आप यहाँ पे उतर के बैठो पहले, फिर उनको क्या करते थे, आप यहाँ पे चले जाओ, और जो यहाँ पे आए उनको यहाँ पे भेज देते थे, ऐसे करते थे ना थर्ड वेरिएबल के थ्रू। अब हम क्या कर रहे हैं, बिना थर्ड वेरिएबल के बना रहे हैं ना। क्या करनी पड़ेगी मुझे, दोनों को एक जगह पे लानी पड़ेगी, दोनों को मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक जगह पे लानी पड़ेगी, दोनों को एक जगह पे ला दिया यहां से।
ये हट गई, अब क्या हुई, ये खाली हो गई है ना। अब मैं क्या करूंगा इसको, अब इस पे इनको ले चलूंगा, इनको ए को यहाँ पे बैठा दूंगा और बी को क्या कर दूंगा फिर यहाँ पे लाके रख दूंगा। तो ऐसे होगा, कंसेप्ट लगाना होगा, ये वाला चीज हमें नहीं यूज करनी होगी, समझ में आया। तो ऐसा करोगे तो आ जाएगी समझ में। स्वैप फंक्शन नहीं है, स्वैपिंग के लिए फंक्शन नहीं है, है ना। उसको आपको दो वेरिएबल ऐड करोगे तो ऐड करके माइनस करोगे तो हो जाती है। हाँ तो वैसे एक बार आप सोचना फिर से, है ना, कि कैसे होगी फिर। हाँ ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है तो क्लोज करता हूँ ना।